आज जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने इटावा नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 1 से सभासद प्रत्याशी मिठू लाल गेहार से की खास मुलाकात। मिठू लाल जी ने कहा कि यदि वार्ड वासियों ने अवसर दिया तो भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी स्कीम होंगी वार्ड के अंतिम पात्र व्यक्ति तक लाभकारी योजनाएं पहुँचाने की प्राथमिकता होगी। वार्ड में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देंगे, साथ ही समस्त वार्ड वासियों से त्रिशूल चिन्ह पर मतदान करने की अपील की, जिससे वार्ड में चौमुखी विकास कर सके। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन सनी की खास रिपोर्ट। बात कर लेते हैं नगर पालिका इटावा के वार्ड नंबर 1 को पूरा में आए हुए हैं। जैसा की नगर निकाय इलेक्शन का पगल बन चुका है, जिसे जानने का प्रयास करेंगे मिठू लाल जी जो वार्ड नंबर 1 से सभासद पद हेतु प्रबल दावेदार है। नमस्कार सर। सर्वप्रथम तो सर मिठू लाल जी आपका हमारे चैनल स्वागत हो, आपसे हम जानने का प्रयास करेंगे वार्ड नंबर 1 से जो सभासद पद हेतु अपने दावेदारी पेश की है, आपने क्या सोचकर यहाँ से दावेदारी पेश की? मैंने ये सोच के दावेदारी की है मेरा गांव समाज बदले। हम लोग मलिन बस्ती के लोग हैं और जात में वैसे कंजड़ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हमारी जात को किसी ने सोचा नहीं ने समझा। मैं निर्दलित प्रत्याशी लड़ रहा हूँ कि सारे प्रत्याशियों से मेरा निवेदन है कि हमारे गांव समाज के लोग जुड़ना चाहते हैं। मैंने गुहार लगाई भारतीय जनता पार्टी से भी कि हमको टिकट मिलना चाहिए, एक बार हमको भी देखिए सभी को देते हो, विधायक नेता सबको, एक दलित मलिन बस्ती वाले को भी टिकट देखिए। तो मैंने गुहार लगाई, अखिलेश जी को पास भी गए, हम लोग गांव समाज सब लोग इकट्ठा हो गए। हम लोगों को कोई चाहते ही नहीं है, ऐसा क्या है, हम लोग क्या बिल्कुल ही ऐसे निर्धन हो गए क्या? इसीलिए मैंने अपनी दम से अपने बलबूते अपने गांव क्षेत्र से मैंने सोचा कि मैं निर्दलीय लड़ूं, एक बार मुझे लोग चाहते हैं। पहले मैं 15 वोटों से हार चुका हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि आपकी अच्छी समय से अच्छे वोटों से मुझे जिताने की उम्मीद करें और मैं दिन रात उनकी सेवा में लगा रहूंगा। पहले लॉकडाउन लगा था, मेरे गाँव समाज के लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और रोज रस्सी कोई डोर कोई गरी छुआरे कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ करता है, सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर ऐसी नज़र बनी रहती है कि सभी लोग गलत नहीं होते। सभी लोगों को एक कंजर भावना से सोचते हैं कि ये सब चोर हैं, बदमाश हैं, ऐसा नहीं है। पास जमाना बदल गया है, इंसान बदल गए हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, सब पुलिस की तैयारियां भी कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे गांव से लगे हैं, नए नए बच्चे प्राइमरी में जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारे प्राइमरी में पढ़ते हैं और जिनके पास पैसा है कुछ है। मिठू लाल जी, अपनी बात यही नगर निकाय इलेक्शन का इलेक्शन है, हम सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप जो बता रहे हैं बहुत सारी समस्याएं आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आपकी बाढ़ की और बस्ती की बात कर रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं? यदि आपको बाढ़ के पास जितने भी मतदाता है जो आप बता रहे थे ये साफ करूंगा, ये केबलें सारी लटक रही हैं, इनका सावधान करूंगा और जो कोई चिपक जाए मर जाए ये लाइट है आज तक किसी ने नहीं सोचा है, तो हम इनका पूरा सावधान करेंगे लाइट का और जितने मेरे वार्ड में जितना भी मेरा क्षेत्र लगता है उनकी देखभाल करूंगा, भाग दौड़ करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, जी जान से करूंगा। इसके अलावा सर न्यूज 24x7 के माध्यम से जो बाढ़वासी जितने भी जो मतदाता है आपके बाढ़ के जनपद के जो भी आपके जानने वाले हैं या हमारे व्यूअर्स हैं, उन्हें क्या मैसेज या क्या अपील करना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि जो लोग जीत जाए, अगर हमने जीते तो ये लोग भी जीत जाए कोई, तो मेरे क्षेत्र मेरे गांव को देखना चाहिए। अगर ये जीत जाते हैं आज तक वो सभासद रहे हैं, इधर कोटपुरा में पहले बैठा हमने कहा अच्छा इंसान है, गांव वालों से मैंने अपील की कि इनको जिताइए, सारे लोग मिलके जिताओ, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र को देखेंगे, हमारी समस्याओं को समझेंगे। लेकिन उनने कभी आज तक तकिया लगा के सो गए, जीत गए, काम कराने जाते हैं तो वो लड़कियों का काम होता है स्कूल का भी, उन पे भी पैसे मांगते हैं। इसलिए मैं समाज को लेके मैं उतरा हूँ इस चुनाव के बारे में, मैं चाहता हूँ कि मैं लड़ूँ सारी समस्या। वहाँ जाओ, बच्चे भी जाते हैं उन सभासदों के पास तो वो पैसे मांगते हैं, बड़ा फीलिंग होती है दिल में कि बड़ा ये क्या जमाना आ गया है, हाँ तो बड़ा एकदम सोच के दिल घबराने लगता है। आप देख रहे थे हमारे साथ उपस्थित थे मिठू लाल जी जो वार्ड नंबर 1 को पूरा से सभासद पद हेतु
सभासद प्रबल दावेदार हैं। सर आपका सिंबल क्या है, सिंबल के लिए कोई अपील करना चाह रहे हो सभासद बाड़वासियों से? मैं यही चाहता हूँ अगर सम्मेलन में कोई भी जीतना चाहे अच्छी तरीके से तो मेरे गांव क्षेत्र को देखे। नहीं सर, आपको चिन्ह क्या मिला है? जो हमको चिन्ह मिला है बटेश्वर वाले का, भोलेनाथ का, महाकाल का त्रिशूल मिला है जी। त्रिशूल मिला भोलेनाथ का। जैसा कि आप देख रहे थे मुझुला जी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर एक कोकपुरा में जो सारी समस्याएं हैं साफ सफाई को लेकर बता रहे थे। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा सर ने बहुत सारा जिक्र किया, जैसे कि लाइटिंग का बता रहे थे, ये तार वगैरह जो दिख रहे हैं आपको वीडियो में, विजुअल भी दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ ये बता रहे थे वार्ड नंबर एक के जितने भी मतदाता है, यदि मिठुलाल जी को यहाँ से सभासद पद पद के रूप में अवसर देते हैं तो जो भी वार्ड की बेसिक नीड्स हैं जैसे साफ सफाई है, जैसे कि तार का काम बता रहे थे, लाइटिंग का बता, जो वर्तमान में वर्तमान सभासद रह चुके हैं उन लोगों के साथ जो सीन चलता रहा उस सीन को खत्म करे। देखते रहिए न्यूज 24।